नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। तू कितने मरना बंद करा था चिरा के गिरा 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 ये मैं सबने दे 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 हमारे प्रॉब्लम जाता और सरकार ट्रांसफर किया और रहा सवाल ये सबसे बड़ा गद्दार जो है ये प्रकाश एडम, ये सबसे बड़ा गद्दार है, ये सबसे बड़ा आलामी यही है। फोन न उठा बहन का आंदोलन निकलेंगे और मुंह काला करके घर पे भेज देंगे। ये हमारा आज का आंदोलन है और इसके आगे जो आने वाला नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली। इस समय खड़ा वसई प्रभाग समिति आय कार्यालय के बाहर यहाँ आज कांग्रेस पार्टी ने एक ठिया आंदोलन लिया हुआ है। आप सुन सकते हैं कांग्रेस पार्टी समय नारेबाजी हो रही है, जमकर नारेबाजी हो रही है। यह आक्रोश वसई विराम महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी जो इनका ऐसा कहना कि काम नहीं करते उनके खिलाफ, ये आक्रोश काफी फैला हुआ है। पिछले समय में कई बार यहाँ उपोषण आंदोलन हो चुके हैं और आज उसी उपोषण की कड़ी में एक उपोषण आज और हो रहा है। आप देखिए ये तस्वीरें सीधी वसई प्रभाग समिति आई वसई वैश्यम इस समय है और ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जमा हो रहा है। वसई से यूसुफ अली। नहीं, ठिया आंदोलन इसके लिए यहाँ जो आय प्रभाग का और ओवरऑल वसई विरार महानगर पालिका का जो प्रशासन का कामकाज है वो रिमोट कंट्रोल से कोई कंट्रोल करना चाहता है, उसके विरोध में जो भी ऑर्डर निकले हैं, आयुक्त ने आदेश दिया है फिर भी काम नहीं हो रहा है। पांचों मंदिर के जो रास्ते हैं उनके अप्रूवल दिया है आयुक्त ने फिर भी यहाँ अंबल बजावनी नहीं हो रहा है, इसके लिए ठिया आंदोलन कर रहे हैं। आरोग्य विभाग में जो डीएम पेटी रुग्णालय है, हॉस्पिटल है, उसमें सोनोग्राफी मशीन बंद है बहुत महीनों से और वो चालू करने के लिए आरोग्य सुविधा जो है उसमें कठिनाइयां है, सर्वसामान्य जनसामान्यों को तकलीफ होती है, इसके लिए ठिया आंदोलन कर रहे हैं। और जो भी गटर है, गटर के ऊपर का ढक्कन है वो बदलना है, रास्ते में खड्डे है वो भरने हैं, वो सब मनमानी कारोबार चालू है और कोई तो यहाँ से रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करना चाहता है। आयुक्त ने आदेश देने के बाद भी उसके अंबल बजावनी नहीं होते, इसी के लिए आज का वसई विरार जिला कांग्रेस की तरफ से ठिया आंदोलन हो रहा है। पहले भी दो तीन बार आंदोलन उपोषण हो चुके हैं लेकिन बार बार आंदोलन उपोषण करने के बाद भी आपकी मांग और इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, कैसा है यहाँ की जो भी अपॉइंटमेंट आज तक हुई है, ठेकेदारी हुई है, वो एक पार्टी के प्रभाव में हुई है और वो सब ठेकेदार और यहाँ के प्रशासन उनके प्रभाव में काम करते हुए दिखते हैं। आयुक्त ने ऑर्डर देने के बाद भी प्रशासन एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसका कारण क्या है वही पूछने के लिए आज का ठिया आंदोलन है। क्या क्या समस्या है? समस्या है तो बहुत है, रोड का अप्रूवल किया है, जो पांचों बंदर भी रोड है दो रोड अप्रूव किया है, रास्ते में पानी जमता है, अभी समझो मच्छर का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है, वहाँ रेगुलर जो फवारनी होनी चाहिए वो भी नहीं होती है, इसके लिए वो रास्ता पहले होना चाहिए जहाँ पानी जमता है, जो ड्रेनेज का पानी है वो रास्ते में आता है, उसके लिए रास्ता करना जरूरी है, ड्रेनेज का पानी बाहर निकलना जरूरी है, वो कुछ भी काम पे पालिका का ध्यान नहीं है। कोलीवाड़ा में 20-25 कनेक्शन दिए हुए है पानी के कनेक्शन, वो बंद है, वो चालू करने के लिए बोला है, आयुक्त ने ऑर्डर दिया फिर भी यहाँ काम नहीं होता है, इसी के लिए यहाँ जागरूक करने के लिए प्रशासन सोए हुए प्रशासन को जगाने के लिए ये आंदोलन का आंदोलन किया है। आबादी वाला इलाका है नहीं, यहाँ समझो पांचों बंदर में करीबन 10-12 हजार लोग रहते हैं और उनको ये जो बेसिक सुविधा है उनसे वंचित किया हुआ है। कोलीवाड़ा में 10-12 हजार लोग रहते हैं, उनको पानी की समस्या है, उनको पानी देना चाहिए, गटर की समस्या है, ड्रेनेज का पानी रोड पे आता है वो बंद होना चाहिए, किसी का भी ध्यान में नहीं है। इसके आगे आपकी रणनीति क्या होगी? इसके आगे जो भी आंदोलन करना चाहिए वो आंदोलन ये प्रॉब्लम सॉल्व होने तक हमारा जारी रहेगा। आयुक्त से हमारा रेगुलर मीटिंग होता है, वहाँ से ऑर्डर देते हैं,
मगर यहाँ ऑर्डर एग्जीक्यूट क्यों नहीं होते है, कौन रुकाता है, यही पूछने के लिए आज हम यहाँ है। आपने ये दो तीन अलग अलग हाथों में बोर्ड लिए हुए, इसमें अलग अलग आरोग्य विभाग आपने दूरवाणी का बोला है, उसके बाद में का बोला, हाँ रास्ते का बोला, बोला। मार्केट का क्या है, मार्केट का विषय, मार्केट का सब्जेक्ट ऐसा है, कोरोना में सबका रोजगारी बंद हुआ था, अभी जो फेरी वाले हैं उनसे अवैध ठेकेदारी वसूली करते हैं, वो अवैध ठेकेदारी जो है वो बंद होनी चाहिए, वो एक्स्ट्रा वसूली उनके पास से होता है, हफ्ता वसूली जैसा है उसके ऊपर आयुक्त, एक फेरी वाले से कितना पैसा वसूल किया जाता है कुछ डेटा ऐसा, फेरी वाले से ऑफिशियली 20 रुपया लेना चाहिए, वो 40 रुपया वसूली होता है, और जब भी उनके पास लाइसेंस उनको देना चाहिए, गए दो चार बरस से काम कर रहे हैं उनको लाइसेंस देना चाहिए ऑफिशियल, तो लाइसेंस भी देने का प्रोसीजर पूरा किया ने, उनको देने का लाइसेंस देने का मांग भी हम आज कर रहे हैं, इसके लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। मिर्ची साहब आपने बार बार आंदोलन उपोषण किए हैं, लेकिन फिर बार हर बार आपको आंदोलन करना पड़ता है, क्या कहेंगे आंदोलन? हमने जिलाध्यक्ष साहब ने कहा कि यहाँ पर जो रिमोट कंट्रोल से प्रशासकीय अधिकारी को चलाना चाहते हैं, ये सब चल रहा है यहाँ पर। रहा सवाल हमारे आंदोलन का जो जनवरी में किया था रास्ते के लिए, वो रास्ता बन गया, 4 जनवरी को हमने जो आंदोलन किया था वो रास्ता बन गया समुद्र होटल से लेके किनारा तक, उसके बाद उसे लिख कर दिया था कि हम दूसरा रास्ता भी कर रहे हैं, वो डामरीकरण कहाँ से, वसी सागरी कोड़ी से लेकर जौनी युवा के घर तक, वो रास्ते के लिए, और दूसरा एक रास्ता है मदन देवखाजा के और गणपत उर्फ धुंडू करपिया, ये जो एकदम गहन से निचड़े हुए ये रास्ते जो बने हैं, यहाँ पर लोगों का आरोग्य पूरी तरह बिगड़ चुका है। और इस दोनों रास्ते के बारे में बता दूं, फिर हराम फरों को कमिश्नर गंगाधरन डी और कमिश्नर उपायुक्त उप कमिश्नर कौन शंकर खंडारे साहब, एक लेटर पे दोनों ने लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है, दोनों रास्ते पे प्रोसेस द कम्प्लीट ऑफ द फिनिश प्रोसेस काम करने का ऑर्डर दिया है, ये सीधा सीधा लिखा है इसमें, ये गंगाधरन का साइन है, इसमें लिखा है काम करो, शुरुआत करो और खत्म कर दो। उसके बाद उपायुक्त शंकर खंडारे ने लिखा है, क्या लिखा है, सदर अर्जावर मराठी में लिखा, त्वरित कार्रवाई करो, अर्ज निकाली काढ़ावा। ये हमारी किसकी एजेंसी का दिए, लोग किसकी सुनते हैं? अगर माननीय कमिश्नर साहब की दो दो कमिश्नर रिमांक देते हैं, दो दो रास्ते पे साइन करते हैं, तारीख देते हैं कि काम शुरू करो इमीडिएटली और खत्म कर दो स्टार्ट टू फिनिश, फिर भी ये नहीं मानते। प्रकाश आडम ऐसे करते हैं, ये प्रकाश आडम जो नाम का व्यक्ति है, इसकी वजह से आंदोलन है आज। मैं लाड से पूछ रहा हूँ, रोड से लाड को, लाड राजेंद्र लाड यहाँ के विरार के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो बोलते मैंने साडम को कहा है, मैंने ऋषिकेश मुड़ी को कहा है जूनियर इंजीनियर को, इसलिए गंगाधर साहब ने जूनियर इंजीनियर ऋषिकेश मुड़ी के यहाँ से तबादला किया, ट्रांसफर किया। और रहा सवाल ये, सबसे बड़ा गद्दार जो है ये प्रकाश शटम, ये सबसे बड़ा गद्दार है, ये सबसे बड़ा आरामी यही, ये फोन ना उठाता है, मैं यहाँ पर रहे जिला अध्यक्ष है, मैं यहाँ पर एक फॉर्मर नगर सेवक हूँ, माजी सदस्य हूँ, हम बड़ो दे, हम आमन थोड़े, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ जिला पर कांग्रेस के कमेटी पर, मैं वसी मच्छर सोसाइटी में डायरेक्टर हूँ, क्या हम क्या आम आदमी है क्या फोन करते हैं? ये फोन नहीं उठाता ये गद्दार, कमिश्नर का आदेश नहीं मानता, तो इसके पीछे कौन है, इसकी हमें ये तहकीकत करनी है। और उसके बाद जो आक्रामक अभी है 8-15 दिनों में काम नहीं शुरू किया, तो यहाँ पर खुलेआम कहता हूँ कि इसके लिए हमने लिखकर भी दिया जिलाधीश ने हमारे, क्या निलंबन यानी सस्पेंड का आंदोलन निकालेंगे और मुंह काला करके घर पे भेज देंगे, ये हमारा आज का आंदोलन है, और इसके आगे जो आने वाला आंदोलन है लाइसेंस के लिए, बता सकते हैं इसके बारे में जानकारी? आज का ये आंदोलन फेरी वाले है, यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो मशीनरी नहीं है लोगों, गरीब लोगों के लिए जो सेवा देनी चाहिए, उसके बाद में पाचू बंदर के कई समस्या के लिए हम लोगों ने वसई विरार शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने वेलिंगटन मिर्ची हमारे उपाध्यक्ष इन्होंने यहाँ कई बार आंदोलन किए, लेकिन यहाँ का जो समस्या है ये ऑफिसर लोगों का, ये लोग कई यहाँ के अपोजिट पार्टी वाले के लोगों का सुन के ही ये जो काम होता है, गट्टर का ढकना नहीं है, यहाँ गटर का लाइन नहीं है, मच्छर यहाँ इतना बड़ा है, और ये लोग जो फेरी वाले यहाँ की जो पूरा वसई विरार में जो है वो सिर्फ वसई नहीं पूरे वसई विरार में ये लोग हफ्ता वसूली के नाम पे रोड के ऊपर बैठे हैं, उनके पास 40-40, 50-50 रुपए लेते हैं, पावती नहीं है उनको, लाइसेंस नहीं दे रहे, कुछ सुविधा भी नहीं है, बाथरूम जाने के लिए भी फेरी वालों को बहुत लंबे जाना पड़ता है, इसके लिए इसके बाद में
अगर आज हम लोग यहाँ वार्ड में हमारे जिला अध्यक्ष उन्नी लाल मीणा जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं और पूरे विभाग में वसई विरार शहर जिला कांग्रेस विरार एरिया में जितने जितने प्रभाग आ रहे हम सब जगह फेरी वालों को जगा के एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।